नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट काउंटिंग आसनार पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में से कस्टमर वाइज आइटम सेलिंग की रिपोर्ट या फिर आइटम वाइज सेलिंग रिपोर्ट को हम किस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में ये देखना हो भी हमने कौन से कस्टमर को आज तक कौन कौन सा प्रोडक्ट हमने सेल कर दिया है, या फिर इस तरीके से हमें फिल्टर लगाना हो आइटम वाइज, यानी कि एक आइटम को आज तक हमने कौन कौन से कस्टमर को सेल कर दिया हो, कौन से मंथ में किया हो, कौन से मंथ तक कितना प्रोडक्ट हमारा टोटल सेल हो चुका है। तो दोस्तों, इस टाइप की समरी को देखने के लिए हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इस ऑप्शन को हम अपडेट करेंगे, सारी बातें इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। ऑप्शन इनेबल किस तरीके से होगा, कौन सा TDL हमने यूज किया, सारी बातें इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो TDL फाइल हमने यूज करी है कस्टमर वाइज आइटम सेलिंग की समरी देखने के लिए, तो जो TDL फाइल है हमारी उसको देखने के लिए हम TDL पे जाएंगे। और TDL पे जाने के बाद आप देख सकते हो जो हमारा TDL का नाम है कस्टमर वाइज आइटम सेलिंग समरी, इसको हमें टेली सॉफ्टवेयर में अपडेट कर लेना है, यानी कि इंस्टॉल इसको कर लेना है। उसके बाद में जो रिपोर्ट हमें देखनी होगी उसके लिए हम जाएंगे गेटवे टेली पे रहते हुए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर हम जाएंगे, और उसके बाद ये ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देगा कस्टमर आइटम सेलिंग समरी का। ये ऑप्शन आपका तभी इनेबल होगा अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है टेली सॉफ्टवेयर का और आपने प्रॉपर TDL फाइल को इंस्टॉल अगर कर लिया है तो। जैसे हम इसके ऊपर हम इंटरप्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी कस्टमर वाइज आइटम सेलिंग समरी का। तो अभी आप देख रहे हो जो हमारे पास पीरियड हमें जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो 1 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक का दिखाई दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पे पूरा जो डाटा है वो पूरा साल का हम ओपन कर लेंगे। पीरियड हम चेंज कर लेंगे एल टेप के साथ 1/4/2021 से लेके 31/3/21 तक का। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो समरी हमें दिखाई दे रही है कस्टमर का नाम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में कौन से कस्टमर को हमने क्या क्या प्रोडक्ट, यानी कि कौन कौन से कितने कितने पीस हमने इनको सेल किए और कौन से मंथ में किए। अगर हम इसकी डिटेल Alt+F1 के साथ डिटेल के साथ देखते हैं तो साथ में हमें इसके स्टॉक आइटम का नाम भी दिखाई देगा, जैसा कि ये हमारे पास लेजर है केस, और केस में अभी तक हमने ये दो प्रोडक्ट सेल किए हैं। कब किए हैं आप मंथ वाइज इसकी समरी भी देख सकती हो, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक हमने 4 पीस सेल किए हैं और अमाउंट है 10,000 रुपये की, और 1 अप्रैल उसके बाद में 1 दिसंबर 2021 से लेकर 31 दिसंबर तक हमने 7 पीस और टोटल अमाउंट है 10,501 रुपये की। तो इस तरीके से जिस जिस मंथ के अंदर हमारा ये जो रिकॉर्ड सेल हुआ है वो हमें मंथ वाइज इसकी डिटेल है जो शो करेगा कस्टमर वाइज। आप देख रहे हो कस्टमर का नाम है और उसके बाद में उस कस्टमर ने हमारे से आज तक क्या क्या प्रोडक्ट है जो परचेज किया, इसकी समरी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो था अगर हमें कस्टमर वाइज आइटम की अगर सेलिंग रिपोर्ट देखनी हो तो। हम इसका अपोजिट फिल्टर भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें आइटम वाइज देखना हो भी कौन सी आइटम किस कस्टमर को बेची है तो उसकी डिटेल भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको F4 प्रेस करना होगा तो आइटम वाइज ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हमने आइटम वाइज पे क्लिक किया तो आप देख रहे हो अब हमारे सामने स्टॉक आइटम आ गई और आइटम की डिटेल हमें दिख रहा है भी ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसा कि आप देख रहे हो कीबोर्ड विद वायर डेल 120 का ये प्रोडक्ट का नाम है, और इस ये प्रोडक्ट आज तक किस किस कस्टमर को हमने सेल किया है। तो ये हमारे पास केस में सेल किए हैं, कुछ हमने राजकुमार है, कुछ दुर्गा ट्रेडर्स है। तो इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट है दूसरा प्रोडक्ट इसको हमने केस में सेल किया है, माउस विद वायर है वो आज तक हमने इन कस्टमर को सेल कर दिए, और कब किया है, कौन से मंथ में किया है, कितनी क्वांटिटी सेल हमने करी है, वो डिटेल सारी आपके सामने ये मंथ वाइज टोटल डिटेल आ जाएगी। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक आइटम को सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट आइटम देख सकते हो, और उसके बाद इस सिलेक्ट आइटम में से आप इसको एक आइटम सिलेक्ट कर लो। जैसा कि मैंने माउस विद वायर सेलेक्ट किया तो आपके सामने पर्टिकुलर उसी स्टॉक आइटम की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि ये स्टॉक आइटम आपने आज तक कौन कौन से कस्टमर को सेल करी है, कौन से मंथ में सेल करी है, कितनी क्वांटिटी सेल करी है और उसकी अमाउंट क्या रही है। तो ये सारी डिटेल 12 मंथ की डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई देगी, और लास्ट के अंदर आपको ये पूरा टोटल भी दिखाई देगा। ये आ जाएगा डाटा आपका पूरा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का।
ये था पिछला मंथ वाइज, टोटल आपने 35 पीस सेल किए और टोटल वैल्यू उसकी ये है 2,74,039 रुपये। और ये इसकी टोटल समरी है कि 5 पीस आपने कौन से कस्टमर को सेल किए हैं, 4 कौन से को किए हैं, 15 किसको किए हैं, 1 किसको किया है, या 10 पीस आपने कौन से कस्टमर को सेल किया है। तो दोस्तों इस समरी से हमारा काफ़ी कुछ हद तक जो बिजनेस है वो आसान हो जाता है। हमें ये बात पता चलती रहती है कि आज तक इस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी ने हमारे से परचेज़ किया है, या फिर हम ये देख सकते हैं कि आज तक कौन से कस्टमर ने हमारे से कौन से प्रोडक्ट है जो परचेज़ किए हैं, जिससे कि हमारा बिज़नेस आगे इन फ्यूचर प्लानिंग के लिए काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि इस ये जो TDL फाइल है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस करते हो, अगर आपके एरिया वाइज कस्टमर है या स्टेट वाइज कस्टमर है, तो आप अपने स्टॉक आइटम से भी पता लगा सकते हो कि सबसे ज़्यादा स्टॉक आइटम कौन से एरिया के अंदर आपकी सेल होती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।